हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था हेयर केयर टिप्स, वो उसमें 100 व्यूज़ आ गए थे, तो आज भी 100 व्यूज़ ही आने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और इम्यूनिटी बनानी है, दवाइयाँ भी नहीं बनी हैं, तो आज मैं आपके लिए, आज का टॉपिक है 5 आइटम्स फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। पहली चीज़, गार्लिक हनी और जिंजर हनी। गार्लिक हनी और जिंजर हनी, वैसे तो मैं गार्लिक हनी नहीं पीती पर जिंजर हनी पी लेती हूँ। मतलब से तीखा आता है पर मीठा भी होता है ना उसके साथ, तो पी लेती हूँ। पहली चीज़, वो आपके जो स्टमक में जो पेन होता है हमेशा, उसको रिलैक्स देता है। सेकेंड चीज़ है मैंगो। पता है आपको कि मैंगो को फलों का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे आपकी जो जिसको चश्मा लगा हुआ है ना, वो आप मैंगो खाओ, हर किसी को तो मैंगो पसंद है, मुझको भी पसंद है, उससे आपकी आई साइट इम्प्रूव होती है। थर्ड चीज़ है ऑरेंज और लेमन। ऑरेंज और लेमन दोनों में ही विटामिन सी होता है। मैं ऑरेंज खाती हूँ क्योंकि मुझे ऑरेंज मेरा पहला फ्रूट है जो मुझे बहुत पसंद है, और विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करने की आपको हेल्प करता है। फोर्थ चीज़ है कि हल्दी मिल्क आपको हल्दी में एंटीबायोटिक होता है। अगर आप उसको एक बार हल्दी दूध को पी लेंगे तो आपके जो पेट में टॉक्सिन्स नहीं होते हैं वो रिमूव कर देगा। फिफ्थ चीज़, काढ़ा मुझे तो नहीं पसंद, पर अभी कोरोना चल रहा है तो पीना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए अगर काढ़ा को आप वंस इन अ डे पी सकते हो। ये आज के 5 आइटम्स थे। ये जो अभी मैंने 5 आइटम्स आपको बताए हैं, ये आपको पाँचों ही आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और अगर आप जैसे कि आप मैंगो नहीं खा रहे तो 4 आइटम्स खा लो। जिंजर हनी आपको पीना चाहिए, जिंजर हनी और गार्लिक हनी। पहला जिंजर हनी को टेस्ट करो, फिर गार्लिक हनी को टेस्ट करो। दो, अगर जिंजर हनी अच्छा लगेगा तो जिंजर हनी को पीना, अगर गार्लिक हनी अच्छा लगेगा तो गार्लिक हनी को पीना। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। और अगर आपको ऑरेंज अच्छा लगे तो ऑरेंज पीना, लेमन अच्छा लगे तो लेमन पीना। तो आज, और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ठीक है, और बाय बाय।